लोकसंख्या 36 शब्दा धनवाद एवं तात्री भाई जीवन ग्रेसवीसी भक्त निदान समीक्षण गोपाल शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अपेक्षाशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शब्द शुण्वन्ति शुण्वन्ति सुनते हैं गायन्ति गायन्ति कीर्तन करते हैं कीर्तन करते हैं गृह्णन्ति गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं ग्रहण करते हैं अभीक्षणशः अभीक्षणशः निरंतर निरंतर स्मरन्ति स्मरन्ति स्मरण करते हैं स्मरण करते हैं नन्दन्ति नन्दन्ति हर्षित होते हैं हर्षित होते हैं तव आपके आपके इहितं इहितं कार्यकलापों को कार्यकलापों को जनाः जनाः लोग लोग ते ते वे वे एवा एवा निश्चय ही पश्यन्ति पश्यन्ति देख सकते हैं देख सकते हैं अचिरेण अचिरेण शीघ्र ही आवकम आवकम आपका आपका भवत् प्रवाह भवत् प्रवाह पुनर्जन्म की धारा पुनर्जन्म की धारा परमं परमं बंद पड़ो विराम बंद होना रोकना पद अम्बुजम पद अम्बुजम चरण कमल चरण कमल। हे कृष्णा जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते, उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजा प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सब शरीर विद्यमान है तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सकते। रावण हिरण्यकशिपु कंस जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उस योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतया लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और उन इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ
उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और दसवें स्कंध में उनकी प्रिय गोपियों के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि भगवान परमावस्था में है अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग अधिक श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव भगवान की क्रीडाओं का प्रमाणिक होता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारिक शक्ति से भरे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनरुज्जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो यहाँ भगवान ने श्रवण के बारे में बहुत ध्यान कुंती महारानी बता रहे श्रवण के बारे में प्रभुपाद बहुत ध्यान दे रहे कि श्रवण प्रॉपर होना चाहिए। भागवत का नित्यम भागवत सेवया, तो नित्य भागवत सेवया करना चाहिए शुरुआत से। ये प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमको दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण संपूर्ण है, इसीलिए उनकी जो भी लीला है वो भी संपूर्ण है। और ऐसा हम नहीं प्रभुपाद कहते कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीला है वो अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि भगवान ने जो अर्जुन पांडव के साथ लीला की वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जब बृहद भागवतामृत का पाठ हो रहा था तो उसमें ये भाव के आधार पर भक्ति का अलग अलग कैटेगरी स्तर बताया है। उसमें बताया है कि उत्तम भक्ति कौन करता है, लेकिन वो ये जो पुस्तक है बृहद भागवतामृत जो सनातन गोस्वामी लिखा है उससे हमें उसको समझने में गलती नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भीष्म पितामह से भी अच्छी भक्ति प्रहलाद महाराज की है, मतलब उनसे भगवान ज्यादा पसंद है। प्रहलाद महाराज से भी ज्यादा पसंद भगवान इनसे है, वैकुंठवासी से भी ज्यादा पसंद भगवान गोलोकवासी से, वृंदावनवासी। ये जो वर्णन है, अगर हम लोग योग्यता नहीं है और अगर प्रॉपर वक्ता नहीं है तो इसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हम सोचे भीष्म पितामह क्या भक्ति करते हैं, उससे अच्छा तो प्रहलाद महाराज करते, प्रहलाद महाराज की भक्ति क्या है, उससे तो अच्छा वैकुंठवासी करते, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भागवतम है, जो प्रामाणिक भागवत के वक्ता है, जो प्रामाणिक वक्ता है वो क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है कि राधा कृष्ण के अंतरंग लीला में चले जाते हैं और वो पूरा वही चलाते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। योग्य भक्तिवीर ठाकुर महाराज कहते हैं, उन्होंने एक भजन में गाया है कि अगर हमारी योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है भगवान की दिव्य लीला को समझने का, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो हमें सेंटिमेंटल लेवल पर ये नहीं समझना चाहिए। एक बहुत सुंदर भजन में कहते हैं, मैं वो भूल गया हूँ, लेकिन ये हमें समझना चाहिए, ये सब जो प्रभुपाद आचार्य है, साधु गुरु और शास्त्र, साधु है प्रभुपाद, और जो वचन हमको समझाते हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, वो शिक्षा में बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो लोग बोलते भगवत गीता पढ़नी चाहिए, यस भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से पहले श्रवण करना आवश्यक है, इसीलिए हम लोग श्रवण करते हैं रोज नित्यम भागवत शिवाय। ये श्रवण अधिकृत व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए और प्रभुपाद का पुस्तक इसीलिए पढ़ना चाहिए जिससे हम श्रवण, ये श्रवण है जिससे हमें गाइडेंस मिले कि हमें आध्यात्मिक जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, किससे नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो हम सब जगह जाएंगे, सब जगह का सुनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें, बल्कि हमारी काम वासना और भड़केगी। अगर हम सीधा राधा कृष्ण के लीला और अंतरंग लीला में जाएंगे, यहां पर लिखते हैं कि कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार में अधिक रुचि लेते हैं, ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों के सूचक है। तो ये जो सोचते कि हम राधा कृष्ण की लीला में ही हमको रुचि है और वो वहां जाते तो वो वास्तव में राधा कृष्ण, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर है, राधा कृष्ण की जो लीला है वो दिव्य स्तर पर है, हम नहीं समझ सकते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान भी नहीं समझे है कि राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये सब बहुत गुह्य विषय है, इसीलिए हम लोगों को श्रवण, हमें क्या श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता पहले श्रवण करना चाहिए भगवान के विषय में। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शिशुपाल रावण हिरण्यकश्यप कंस जरासंध शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन उनके सामने कृष्ण होने के बावजूद भी वो कृष्ण को नहीं समझ पाए। देखिए, यानी हम अगर सीधा भागवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों का भागवतम है, डोगरी निवास से भी भागवतम है लोग पढ़ते हैं, गीता प्रेस के भी भगवत गीता है लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त कौन बनता है, किसको रुचि है श्रवण में, किसको रुचि है ऐसे भगवान रक्षण करते हैं, इस प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थना सुनने में किसको रुचि है, हमें कुंती महारानी की प्रार्थना को ध्यान से समझना चाहिए। उसके बाद नवे अध्याय में है विश्व पितामह की स्तुति आती है, तो अभी हमारे लेवल नहीं कि हम ये भक्त ऊपर है ये नीचे है, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए भागवतम का जो क्लास होता है तो ये सब लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए होना चाहिए, और वो भी प्रभुपाद के मार्गदर्शन के हिसाब से, प्रभुपाद की शिक्षाओं के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आचार्य सनातन गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमें ये जो रिलेशन है कि भाई प्रहलाद महाराज और भीष्म पितामह की भक्ति में क्या डिफरेंस है, रिलेशन है वो आध्यात्मिक स्तर पे समझना है, नहीं तो हम बहुत बड़ी गलती कर सकेंगे, हम भगवान कृष्ण को नहीं जानेंगे और अपराध कर बैठेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये जन सामान्य प्रभुपाद कहते हैं कि मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे खुद अपना हेतु सिद्ध कर सके, जो ये कथा करते हैं उनका उद्देश्य क्या है ये समझने आपको। एक बार मैं वृंदावन गया था तो एक बहुत बड़े कथाकार को मैं मिला, उनके होटल में हम रुके थे, होटल बना दिया था इनकम, तो उनके मैनेजर को बोला कि महाराज कथा करने के कितने लेते हैं, बोले 1 रुपया नहीं लेते, तो बोला ना चाहिए हाँ, लेकिन कथा का वो लेते नहीं है, लेकिन 15 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का खर्चा होता है, सब व्यवस्था होती है सब तो इस प्रकार से ऐसे नहीं, ऐसे काम करते हैं और लोग आते हैं उसमें किसका कल्याण होता है, चाय तक नहीं छोड़ सकते
दूसरे नशा की तो बात छोड़ो, चाय प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है उनके। इसीलिए प्रभुपाद काटते हैं ऐसे लोगों को। भगवान हमारी भक्त भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते, अगर इतना ही सरल होता तो ऐसे लोग कथा करते हैं कितने सालों से ये सप्ताह चल रही है, कितने सालों से। मुझे याद है मैं छोटा था ना, पैसे राम मंदिर राम द्वारा एक और संप्रदाय वहां है, उनके द्वारा कथा होती थी अधिक महीने में और ऐसी श्रावण महीने होती थी, तो मैं जाता था, लेकिन मैं किसके लिए तो प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद के लिए तो मैं जाता था, पूरी कथा सोता रहता था। छोटा था, ज्यादा इतना बड़ा नहीं था, और वो कथा के बीच में मनोरंजन होता था। उस टाइम दास बहादुर भाई वाला जगन्नाथ प्रभु के रिलेटिव दास बहादुर भाई वाला जोक करते थे बीच में कथा के बीच में, तो लोगों को थोड़ा रिफ्रेश होता है। तो मैं बोला जब कथा बीच में इंटरवल पर एकदम मुझे उठा दो, मैं सुन रहा हूँ वो छोटा क्लास सुन रही है, तो मनोरंजन करते हैं ऐसे। फिर वापस कथा चलते, मैं सो जाता था, फिर प्रसाद लेके जा। ये होता है कितने सही, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कम से कम ये 35 से 40 साल पहले की बात, मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का होगा, मुझे भी मालूम नहीं मैं कितने साल का था, लेकिन कम से कम 35 साल पहले की बात है। तब से ऐसा चल रहा है, कोई शुद्ध भक्त नहीं, मेरी मतलब कथा सुनने जाती थी, कभी उन्होंने वो मान छोड़ा नहीं, ऐसी कथा से कुछ नहीं हो, कुछ लाभ नहीं होगा, फले न परिचय न, फल से परिचय होता है कि ये पैर कैसा है, अगर कोई पैर पे इमली होती है तो हम सोचते एक पत्ता है, वो कांटे उठते हैं तो हम सोचते फल इसका क्या है, कांटा पैर पैर ठीक नहीं। इसी पर कोई भी कार्य हम करते हैं, फले न परिचय न, फल मिलना चाहिए हमको, अगर फल नहीं मिलता है, अगर भक्त नहीं बनते हैं और सेंटिमेंटल भक्त हजारों बन जाए क्या भाई, हजारों लोग आएंगे कथा सुनने क्या फायदा। अभी एक कथा हुई थी 10,000 लोग आए, बहुत साल पहले हुई थी कथा, एक बापू ने की थी कथा, लेकिन वो कथा के बीच में उसको क्या नशा चढ़ गया, वो कृष्ण के बारे में अलग बोल रहे हैं, बलराम जी के बारे में अलग बोल रहे हैं, द्वारकावासी के बारे में अलग बोल रहे हैं, बोले शराब पीते थे वो लोग, वो बहुत एकदम मतलब ऐसे ही कथाकार, इतने सालों से 25-30-35 सालों से कथा करने के बाद ये कथा का परिणाम ये हुआ कि वो कथा में चारों कथा में ऐसे बोलने लगे कृष्ण के बारे में। तो ये सब जो चीजें है वो बड़ी भयानक है, भयंकर रिजल्ट आएगा, क्या फायदा, इतने साल से मैं कथा सुन रहा हूं फायदा क्या हो। प्रभुपाद ने कथा शुरू की, आज तक वो कथा चल रही है और इससे लाखों भक्त बन गए, लाखों लोगों का जीवन कल्याण हो गया, जिन्होंने प्रभुपाद को देखा भी नहीं है उन लोगों का जीवन का कल्याण हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, ऐसी कथा सुनने से ये जो बुद्धिमानी प्रार्थना करते हैं ना, अभी ध्यान से सुनिए, ऐसी कथा सुनने से क्या होता है, हे कृष्ण जो आपके दिव्य क्रियाकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय आपके उन चरण कमल का दर्शन करते हैं। मतलब वो कथा करते हैं दूसरे को भगवत धाम, मतलब भगवान के बारे में दिव्य विषय समझाने के बारे में कथा करते हैं और वो हर्षित होते हैं, जब सामने वाला भी श्रवण करने के लिए उत्सुक होता है तो हर्षित होता है। ऐसे ही जो पैसा लेने वाले कथाकार होते हैं ना, वो शर्त करते हैं मेरे प्रोग्राम में कितने आने चाहिए, 50,000 होने चाहिए, कोई नहीं आपने, मैंने ऐसा सुना है, मालूम नहीं कितना सही है। एक व्यक्ति एक कथाकार वो हंसता ही रहता है कथा करते, मैं भी इसका मैं जुड़ा, मैं बोला इतना अच्छा कथा मालूम नहीं होता है, तो वो ही व्यक्ति कथा करने आए प्लेटफॉर्म पर आके बोला कितना है, बोला इतने ही लोग आएंगे, 1,000 लोग आएंगे, चले गए वापस, कितना हाथ जोड़ के भाई हमारा प्रोग्राम हुआ है कृपा करके आपने, तब जाके उसने फिर दूसरे को बोला ऐसा कुछ हुआ था ऐसा घटना, तो ये कथा का यहाँ हर्षित कहाँ होंगे, वो दूसरे को ऐसा करके देखकर हर्षित होता है। तो ऐसी कथा होनी चाहिए, चाहे एक सुनने वाला क्यों ना हो,
लेकिन भगवान के मतलब जो भगवान ने जो सिद्धांत स्थापित, धर्म के सिद्धांतों की चर्चा होनी चाहिए, भगवान को तत्वतः समझना चाहिए। तो आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो भगवान की कथा सुनाते हैं और दूसरे को सुनते हर्षित होते हैं, वो आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, और भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने से जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोक सकते हैं। कितना बड़ा सिद्धि मिलती है, कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है भगवान के कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करते हुए। लेकिन ये सब बात कोई नहीं, सिद्धि की बात नहीं कोई कहते। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर हम लोग कहेंगे, ऐसी कथा कहेंगे जो कथा में पहले से ही धर्मो प्रोजित, ये कथा में जानते पहले से कि धर्मो प्रोजित कहते वो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, परम निर्मत सराणाम सताम, सतम शुद्ध भक्तों के लिए कथा है, और इसमें सकाम कर्म छोड़ दिया, कथा में सुनने जाता मेरा कल्याण होगा, ये सब झाड़ मार के निकाल दिया है। ऐसी कथा सुननी चाहिए सताम, जो भक्तों को इसमें रुचि हो, जो भक्तों को अच्छा लगना चाहिए, बाकी लोगों को तो अच्छा, भक्तों को जब बोलेंगे कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये चार नियमों का पालन करना चाहिए, तो भक्त सोचेगा यस मैं नियम पालन नहीं करता हूं, लेकिन ये बात सही है कि नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी भगवान को प्रसन्न करना है, भक्त ये समझेगा। लेकिन जब आप नियमों के बात करेंगे तो बोलेंगे भाई सोचेंगे मैं नियम की बात करूंगा तो ये सब तो चले जाएंगे, फिर मेरी दक्षिणा का क्या होगा? बोलेगा किसी को मांस नहीं खाना है, किसी को जुआ नहीं खेलना है, किसी को बाहर का खाना नहीं खाना है, वो नहीं कथा में, इसीलिए इसको वाले से तो लोग कथा नहीं करवाते हैं, और जो कथा करते हैं इसको वाले कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो कृष्ण प्रेम कहां मिलेगा लोगों को? कथा ऐसी करो, पहला स्कंद का ही पहले स्कंद की कथा करो, राधा कृष्ण की लीला तक जाओ नहीं, पहले स्कंद को बताओ, दूसरे स्कंद को बताओ, जहां भगवान विश्वरूप भगवान ने प्रकट कर किस प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन किया, क्या वो कम महत्वपूर्ण है? अरे कितनी महत्वपूर्ण ये लीला है कि भगवान अपनी इच्छा मात्र से पूरे विश्व का सर्जन करते हैं, तो ये कम लीला है? कितनी भारी लीला है, भगवान अर्जुन के साथ वन में रहे, उनका रक्षण किए, कम लीला है क्या? ये समान लेवल की लीला है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान की जो भी क्रिया पूर्ण है, चाहे वो रास लीला क्यों ना हो, चाहे वो सुदामा को उद्धार क्यों नहीं हो, द्वारका लीला क्यों ना हो, चाहे वो पांडव के साथ की लीला क्यों ना हो, चाहे ध्रुव महाराज के साथ, प्रहलाद महाराज के साथ ये लीला क्यों ना हो, सब पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णस्यैव पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाभि वशिष्यते। पूर्ण है भगवान, भगवान जो भी निकलता है सब पूर्ण है। तो ये भगवान का ब्रह्मांड कितना पूर्ण है, तो ब्रह्मांड की लीला बात करो ना, कि भगवान किस प्रकार से ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। भीष्म पितामह कुंती महारानी कैसी प्रार्थनाएं करती है, कुंती महारानी कभी ऐसे नहीं बोलते कि मुझे रासलीला का दर्शन करें, यशोदा मैया भी कभी ऐसे नहीं बोलते मुझे रासलीला का दर्शन करें, देवकी माता भी ऐसे नहीं कहते मुझे रासलीला का दर्शन करें, लेकिन हम लोग हमारे जो पैसे के लिए हम लोगों को रासलीला की बात करते हैं, क्योंकि भागवतम होगा तो रासलीला की बात ही होगी, भागवतम मीन्स रासलीला, ऐसा लोग समझते हैं। ये कितना उच्च टॉपिक है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे और सन्यासी के थे, भक्त के रूप में थे, इसीलिए उन्होंने उन्होंने गोपियों को गोपी भक्त प्रणाम उनकी वंदना की है गोपियों को, वो कहते गोपी भक्तों पद कमल जो दास दासान दास, मैं उनका दास गोपियों के भक्ता कृष्ण के दास, मतलब गोपियों की बात जो है हम नहीं समझ सकते भगवान कृष्ण के साथ वो कितने शुद्ध है। तो इसीलिए श्रवण क्या करना चाहिए ये प्रभुपाद जोर दे रहे हैं। आज हम लोग प्रभुपाद का ये सब पढ़ते हैं, भगवदगीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यस क्या श्रवण करना चाहिए, किससे श्रवण करना चाहिए। आज एक छोटा भी भक्त है जो समझ जाएगा
लेकिन जो इस्कॉन में रहने के बाद भी प्रभुपाद के तात्पर्य को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं और आचार्य की बात को समझना चाहते हैं, वो गलती करेंगे। वो सोचते हैं प्रभुपाद ने क्या दिया है, सब बार बार जन्म यहां भगवान के बुद्धिमान के जो जन्म मुक्ति के पुनर्गम को रोकने वाले हैं, ये सब जन्म मुक्ति की बातें कर रहे प्रभुपाद, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी कुछ उच्च विषय की बात करनी चाहिए, अभी डीप टॉपिक की बात करनी चाहिए। हम ये सब जानते हैं कि हमें जन्म मुक्ति से निकलना है, ऐसा इसकोन में भी ऐसा वर्ग है जो उनको ये प्रभुपाद के तात्पर्य में इतनी रुचि नहीं है, अधिक रुचि है आचार्य के टीकाओ में। हालांकि आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने सब आचार्य की टीका उसमें भर भर के रखी है। आप भगवद गीता लो, भागवत लो, सब आचार्य, हम आचार्य को समझ सकेंगे प्रभुपाद के माध्यम से, सीधे आचार्य को नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए हमें आचार्य को श्रवण करने रूप रूप गोस्वामी कितने उच्च बात करते हैं, वो भक्ति रस अमृत सिंह को हमें पढ़ना है पहले। भक्ति रस अमृत में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हमको समझा है, तो भक्ति रस अमृत समझिए, उसमें पूरी भाव की लीलाओं का वर्णन है, उसमें सब अंतरंग भाव का वर्णन है, वो पढ़िए। लेकिन प्रभुपाद देते हैं इसीलिए, क्योंकि स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर महान आचार्य कमल मंजरी, उनका दिव्य स्वरूप, उनका शाश्वत स्वरूप कमल मंजरी, वो कहते हैं अपनी सिद्धिलालसा प्रार्थना में कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूं राधा रानी के अगर हो तो, और राधा रानी का के साथ सेवा में मदद करना चाहता हूं ललिता के संग में, उनकी लीडर ललिता है, ललिता सखी है, वो ललिता सखी के ग्रुप में है कमल मंत्री। तो ये स्वयं भक्तिविनोद ठाकुर इतने एक्सोल्टेड डिवोटी, वो भी कृष्ण को सीधा राधा कृष्ण की लीलाओं में सीधा बात नहीं करते, मैं सेवा करना चाहता हूं किस प्रकार राधा रानी ललिता के माध्यम से, रूप गोस्वामी के मार्ग से, क्योंकि वो रूप गोस्वामी के अनुग है, कमल मंजरी रूप गोस्वामी के अंदर में। तो ऐसी इस प्रकार हम फिर प्रभुपाद को छोड़ देंगे, सीधे आचार्य के पास जाएंगे, ये हमारा कल्याण नहीं होगा, हम मिसगाइड होंगे, दूसरे को भी मिसगाइड करेंगे, क्योंकि आचार्य ने जो खजाना दिया है ना, ये मुरुवाद भागवत अमृत और बहुत सारी किताबें आचार्य ने जो दी है गोपाल, ये इतने ग्रंथ उन्हें आचार्य ने दिया है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद को ठीक तरह से पढ़े समझे, ये मैं जो पॉइंट जो बोल रहा हूं महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हमारा श्रवण परफेक्ट नहीं होगा, श्रवण परफेक्ट नहीं होगा तो फिनिश, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे प्रभु जी मुझे बता रहे थे, मैं एक जगह क्लास देने गया था, तो मैंने राधा रानी के विषय में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा की थी, ये कितना कोई विषय है और हमारा कोई अभी हमारा कोई अवस्था नहीं है, और आचार्य ने हमको प्रोटेक्ट करके रखा है कि इस प्रकार राधा कृष्ण की लीला को समझे, आचार्य प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए। तो वहां मुझे बताया प्रभु जी ने कि मेरे जाने से पहले भी पहले एक भक्त आया था, कहीं से राधा रानी के अंतरंग बातें लीलाएं सब चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद कहां गए, प्रभुपाद ने वो चर्चा कहां की है। तो हम ये हमारा पर्सनल, हम जैसे ही योग्य बनेंगे, इस श्रवण के योग्य बनेंगे, अपने आप योग्य बनेंगे, क्योंकि हम अधिकृत आचार्यों के मार्गदर्शन से, गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सब लीलाओं पता चलेगी, अभी नहीं पता चलेगी, अभी हमारा कर्तव्य क्या है, आचार्य से माध्यम से भागवत हम धीरे 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 पढ़े समझे और हमारी सेवा करें। अभी हमारा कार्य है सेवा और साधना दोनों, सेवा करना है, अभी हम सेवा करना है। प्रभुपाद कहते हैं पहले सेवा फिर समाधि, पहले वर्क फिर फर्स्ट वर्क देन समाधि, तो हम समाधि यानी कृष्ण के चिंतन में हम रहेंगे। यस, सेवा भी कृष्ण के चिंतन है, हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं, कुकिंग किसके लिए कर रहे हैं, प्रसाद वितरण किसके लिए कर रहे हैं, मंगल आरती किसके लिए कर रहे हैं,
कृष्ण के लिए। तो यही समाधि है, हम जब किसके लिए करें, कृष्ण के लिए, यही समाधि है। लेकिन पहले सेवा के साथ समाधि। अभी मैं चला जाऊं जंगल में, वृंदावन में रहने चला जाऊंगा और हरिदास ठाकुर की तरफ बहुत सारी माला करूंगा, नहीं, पहले वर्ग, पहले सेवा, प्रचार कौन करेगा? और ऐसा प्रचार हमको चाहिए कि प्रभुपाद ने जो सिखाया वो प्रचार होना चाहिए हमारा। हमने किसी ने प्रभुपाद को देखा नहीं मोस्टली, मैंने देखा होगा बहुत छोटा था, 1972 में 2 साल का था शायद देखा होगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब प्रभुपाद आए थे तो सब लोग अपने घर के पास साड़ी लगाते थे, साड़ी डेकोरेशन, पहले ऐसा होता था। प्रभुपाद जब आए थे, कीर्तन हुआ था, तो सब साड़ी लगाते थे, एक घर से सामने शेरी रहती है उसमें, तो मुझे याद है कि वो हुआ था ऐसा, बस इतना याद है, 49 साल पहले की बात है, तो शायद देखा होगा। लेकिन प्रभुपाद को अभी हम देख रहे हैं वास्तव में, प्रभुपाद का संग अभी हम कर रहे हैं वास्तव में, ये पढ़ के। प्रभुपाद कैसे, बहुत सारे शिष्य है जिन्होंने प्रभुपाद को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आए, नए जो उस समय के शिष्य थे जो शुरुआत में, वो प्रभुपाद को बहुत मिलते थे, जैसे आप लोग गुरु महाराज के संग में, मैं भी नहीं आता हूं, लेकिन हम आप लोगों से ज्यादा मेरा संग होता है, लेकिन आपको भी इतना ही लाभ होगा, हमको इतना ही प्रभुपाद का लाभ होगा, यदि हम प्रभुपाद की ये वाणी सेवा को समझेंगे। हम ये वाणी सेवा और बपू सेवा दोनों से कृष्ण का संग होगा, दोनों से प्रभुपाद का संग होगा, गुरु का संग होगा, दोनों से हमारा गुरु का संग होगा, लेकिन वाणी सेवा इंपॉर्टेंट है। आज देखिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी कितना संग किया था प्रभुपाद, ज्यादा से ज्यादा 12, और वो भी ऐसे नहीं किया, ऐसे सामने बैठ के तो एक या दो बार, एक ही बार ब्रह्मन गायत्री मंत्र लेने के समय बस एक ही बार संग हुआ, और उन्होंने प्रभुपाद से डायरेक्ट वृंदावन में पहले प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा प्रभुपाद के शिष्य ने उनके गुरु भाई से लिया था, नाम लिया था प्रभुपाद ने दिया था नाम, लेकिन गुरु भाई से उन्होंने माला लिया था। पर मेन है शिक्षा, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा वो शिक्षा प्रणाली है, दीक्षा प्रणाली नहीं है, मेरे गुरु उनके गुरु ये है, लेकिन शिक्षा शिक्षा से चलता है हमारा, हम डायरेक्ट गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, तो ये हमें समझना, शिक्षा महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षा का श्रवण करना चाहिए, श्रवंति गायंति गृहंति अभीक्षणशः निरंतर, अभीक्षणशः निरंतर, तो हमको वही लाभ मिलेगा जो गोपियों को मिल रहा है, जो भगवान आचार्यों को लाभ ले रहे हैं वही लाभ हमको सेम लाभ मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कमल मंदिर है वो भगवान से दूर रहेंगे और गोपियों के द्वारा सेवा करेंगे तो उनको नहीं, उनको कम लाभ मिलेगा, नहीं, ये आध्यात्मिक समझना, हम हमारी भौतिक समझन इसमें डाल देते हैं ना, इसीलिए हम लोगों को नुकसान होता है। हरे कृष्णा, श्रवण कीर्तन करो अनुखाना, एक गीत एक भजन है महाराज ने वहां गाया था, हरिद्वार हरिद्वार ऋषिकेश, श्रवण कीर्तन करो अनुखाना, एक एक क्षण श्रवण कीर्तन करो, तो हमारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए, कोई भी हम सेवा कर रहे हैं वो श्रवण कीर्तन होना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण होना चाहिए। प्रभुपाद मद्रास में थे तो एक धनी परिवार में थे, बताइए प्रभुपाद जगन्नाथ दामोदर ये बात बताए, एक बार प्रभुपाद एक परिवार में जाए थे तो उन्होंने बोला आप कथा कीजिए, प्रभुपाद ने राधा कृष्ण की कथा कीजिए, प्रभुपाद बोला नहीं वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा प्रभुपाद ने कहा कि योग्य नहीं है हम लोग ये चर्चा करने के लिए, बोला हम लोग योग्य है, उन्होंने बोला प्रभु आप लोग योग्य है, मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभुपाद प्रभुपाद है, जय प्रभुपाद, उन्होंने कितना अच्छा हमको शिक्षा दिया है, एक छोटा सा बालक भी अगर प्रभुपाद की शिक्षा को ठीक तरह से ग्रहण करे ना तो कभी भी वो कृष्ण को समझ में गलती नहीं करेगा,
कभी भी वो अपनी तुष्टि के लिए राधा कृष्ण की लीला को समझने का प्रयास नहीं करेगा, वो सेवा करेगा। ये है प्रभुपाद ग्रेट, प्रभुपाद ग्रेट। कल मैं मंदिर में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो मैं एक माता जी को मिला, तो उन्होंने बुक्स लिया, मैंने प्रेमा उतार दिया उनको, लेकिन वो माता जी बोले आप जानते हैं मैं 8 साल से मंदिर आ रही। अच्छा। तो मैंने बोला माता जी आप बहुत अच्छे 8 साल से मंदिर आ रहे हैं। तो मैंने बोला माता जी चैतन्य महाप्रभु कहाँ है मंदिर में? तो हंसने लगे, बोले मैं इसका कथा सुनती हूँ, इसकी कथा सुनती हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर में कहाँ पे विराजमान है। मैंने माला माता जी थी उनकी लड़की को बुलाया, ये प्रभु जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो उनकी लड़की को भी पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, तो कितना आवश्यक है चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की। इसलिए मुझे याद आ रहा था गुरु महाराज चाहते हैं कि 1 लाख रिटर्न हो सूरत में। और वो माता जी 8 साल से मुझे सामने, मैं 8 साल से आ रही हूँ मैं मंदिर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है कहाँ है पता नहीं। फिर मैंने उनको समझाया तो बोले हाँ ये सुना था मगर किससे पता नहीं। इसलिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं इसकी कथा में जाती हूँ, यहाँ कथा जाती हूँ, यहाँ कथा जाती हूँ। कल विजय राम साथ में ही था, हम लोग ये हालत है मंदिर की, आने वाले के भक्तों को पता ही नहीं कि हमारा मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। अपने ऊपर कितनी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद ने मिशन ने चैतन्य महाप्रभु के मिशन ने आगे वधारो એટલા માટે આપણા સેન્ટર બનાવ્યું છે, બહુ મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી, કારણ કે સબ લોગ પ્રભુપાદ કો મિનિમાઇઝ કરે, સબ લોગ પ્રભુપાદ જો જિન્હોને હમે ઇતના ચીજ દિયા ઉસકા સબ મિનિમાઇઝ કરે, કિતના દુઃખ કી બાત હૈ ના। જા કલ ભી મન મંદિર ગયા તો વો બ્રહ્મચારી થા, વો પંખો બજા રહા થા, પ્રભુ જી ક્યો આપ પંખો બજા રહે, आप अभी संध्या क्योंकि आपको आप गाएंगे मधुर मधुर मृदंग बाजे। एक छोटी बात, मैं बार बार यही बात बोलता हूं, किसी को पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी। सोचते हैं बहुत सारे लोग आए गए ये हमारी सफलता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चाहिए हमें, क्वांटिटी चाहिए हमें, बहुत सारे लोग चाहिए लेकिन क्वालिटी के साथ, क्वालिटी के साथ। प्रभुपाद एक बार गौड़ीय मठ में गए थे, ऐसी उसमें बहुत कम भक्त थे, प्रभुपाद की क्वालिटी थी उसमें। तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद हमें क्वांटिटी चाहिए क्वालिटी, प्रभुपाद तो दोनों चाहिए हमको, लेकिन क्वांटिटी का कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हजारों लोग आएंगे एक भी नहीं रहेगा, और अगर हमने क्वालिटी रखा है तो एक आएगा उसमें से 100 हो गए, हजारों हो गए, क्वालिटी होती है। नहीं तो रास्ता कौन सा है, किसको मालूम है ये रास्ते जा रहे हैं, वो रास्ते जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, फिर बोलेंगे हमारा ग्रुप में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होगा। प्रभुपाद को आप लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं, प्रभुपाद को मिनिमाइज करेंगे तो एक दिन आपको भी मिनिमाइज होना पड़ेगा। आज मैं बहुत अच्छी कथा कर रहा हूं, मेरा बहुत अच्छा ये है, लेकिन आप प्रभुपाद ने आपको गुरु को प्रभुपाद को आपने मिनिमाइज किया, इसीलिए एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी मिनिमाइज होना पड़ेगा। इतने महान आचार्य का आपने मिनिमाइज किया तो आप कौन है, इसीलिए लोग आपको भी मिनिमाइज करेंगे, और फिर एक और रास्ता निकलेगा, उसमें से 10 रास्ते निकलेंगे जो सब उल्टे सीधे जाएंगे। ये कड़वी लगेगी बात है, लेकिन ये सब वास्तविकता है। हरे कृष्ण।